नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक्सेसमैन जॉब्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वैकेंसीज़ दोस्तों खास होने वाली। यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसीज़ आई हुई। यहाँ पे सबसे जो पहली वैकेंसीज़ है दोस्तों वो है एजेंट की, और दूसरी जो वैकेंसी है वो है एडम एंड सिक्योरिटी ऑफिसर की। तो पूरी वैकेंसीज़ को जानेंगे दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी चैनल में हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आप नए हैं, और पूरी वीडियो को देखेगा तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। सबसे जो पहली वैकेंसी है दोस्तों वो है एजेंट की। यहाँ पे 20 एजेंटों की वैकेंसीज है आई हुई है। पेमेंट यहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए पर ईयर आपको मिलने वाली है, और जिनकी एज 45 ईयर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों वो है GCO और हवलदार की। एडम एंड सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसीज यहाँ पे है दोस्तों, और पेमेंट यहाँ पे अच्छी खासी 50,000 रुपये से 55,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी, और एज 43 तक जिसकी एज है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों वैकेंसीज़ को जानेंगे दोस्तों और चलेंगे डिटेल्स में उसके। पहले जो वैकेंसी है दोस्तों वो है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, रेली गियर इंटरप्राइजेज लिमिटेड REL, जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट में, और पोस्ट का नाम है एजेंट दोस्तों। और यहाँ पे जो काम होगा, काम का फंक्शन यहाँ पे टू हैंडल ए टीम ऑफ यूनिट मैनेजर एंड एजेंसी मैनेजर। एक यूनिट मैनेजर और एजेंसी मैनेजर जो भी होता है उसकी आपको यहाँ पे ड्यूटी करनी होगी, और कंपनी की जो भी स्ट्रेटजी होगी उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। दूसरा है दोस्तों कि द टीम इज टर्न शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू रिक्रूट एजेंट एंड गेट द बिजनेस टू डन, यानी रिक्रूटमेंट भी आपको करना होगा। आप लोग यदि यूनिट के मैनेजर होंगे तो यूनिट के मैनेजर के हिसाब से आपको वहाँ पे काम करना होगा, रिक्रूटमेंट जो भी होगा उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पे। उसके अलावा टू इंश्योर एंड मेंटेन लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एज पर द टारगेट्स, जो टारगेट होगा उसके लेवल को आपको मेंटेन करके यहाँ पे रखना होगा। और दो नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों, 20 पोस्ट यहाँ पे, 15 से 20 पोस्ट यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। और दोस्तों उसके लिए जो है क्वालिफिकेशन में उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है, सिर्फ इन्होंने लिखा है कि नीड टू रीड एंड राइट ए गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इन लोकल लैंग्वेज। आपको इंग्लिश और हिंदी में या जो भी आपका लैंग्वेज है, जहाँ जहाँ वैकेंसीज मैं बताऊँगा उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। और तनख्वाह दोस्तों अच्छी खासी यहाँ पे 6 से 7 लाख रुपए, और प्लस परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव, यानी आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसके हिसाब से आपकी पेमेंट और भी ज़्यादा हो सकती है। आगे दोस्तों इन्होंने लिखा है कि जो पोस्टिंग होगी आपकी अहमदाबाद होगी, पुणे, नासिक, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, बेंगलोर, मदुरई, चंडीगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, पीटमपुरा और मुंबई, ये यहाँ पे वैकेंसीज होंगी। तो जो लोग भी जिस एरिया से बिलोंग करते हैं उस एरिया का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और इंग्लिश, और इंग्लिश में आपकी गुड स्किल अच्छी होनी चाहिए। और अप्लाई करने की लास्ट डेट दोस्तों 26 दिसंबर 2019 है, और अप्लाई करने का सिंपल तरीका मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ सैनिक बोर्ड में आपको जाना है, वहाँ से आप लोगों को अपना नाम फॉरवर्ड कराना है, बताना है कि मुझे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, तो वो लोग आपका नाम फॉरवर्ड कर देंगे। उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका टेलीफोन नंबर होता है, एड्रेस होता है, नाम नंबर जो भी है वो लोग उसको भरते हैं, और सिंपली एक मेल के थ्रू आपका जो वैकेंसीज है उसको DGR को भेज देते हैं। तो बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे, पेमेंट बहुत अच्छी खासी यहाँ पे। तो ज़रूर अप्लाई करें जो लोग इसके इक्विवेलेंट हैं, जो लोग इसमें फिट बैठते हैं उन लोगों के लिए अच्छी खासी यहाँ पे वैकेंसीज़, और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड में जाना है, वहाँ से नाम फॉरवर्ड करना है और बताना है कि मुझे इस पार्टिकुलर वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो उन लोग आपका नाम फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये सिंपली इसका तरीका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी जो वैकेंसीज बात कर रहा था दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। दूसरी जो पोस्ट है दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यह है सुपर स्मेल्टर लिमिटेड की तरफ से,
जो कंपनी है और उसमें है नेम ऑफ पोस्ट का नाम है दोस्तों सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, और लेवल ऑफ पोस्ट है दोस्तों सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर एबव हवलदार पोस्ट इन आर्मी विद मेडिकल सेफ वन, और सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम है यहाँ पे। और एडिशनल जॉब इन्फॉर्मेशन में लिखा है दोस्तों रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सुपरवाइजर एंड गार्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग सुपरवाइजर एंड गार्ड्स, तो गार्ड्स की जो भी सुपरविजन करना होगा यहाँ पे वो सब काम है। डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी टर्म अकॉर्डिंग टू शिफ्ट, शिफ्ट के हिसाब से आप लोगों को जो है चलाना होगा, शिफ्ट को चलाना होगा यहाँ पे। तीसरा लिखा है दोस्तों यहाँ पे कि सुपरवाइजर दी गेट कंट्रोल एट द टाइम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, आने और जाने का जो टाइम होता है वहाँ पे गेट में जो कंट्रोल होता है उसको आप लोगों को करना होगा यहाँ पे। चौथा लिखा दोस्तों यहाँ पे कंडक्टिंग प्लांट पेट्रोलिंग एंड इंश्योरिंग ऑल द एरिया आर सिक्योर्ड, कंट्रोल करना आपको कंडक्ट करना है जो प्लांट होगा उसको, और पेट्रोलिंग करनी है और इंश्योर करना है कि ऑल एरियाज आर, जो भी पूरा एरिया है वो सिक्योर्ड है। और दोस्तों लास्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि एनी अदर वर्क एज असाइंड बाय द हेड ऑफ सिक्योरिटी, यदि और कोई वर्क होगा वो भी आपको करना होगा जो कि सिक्योरिटी हेड होगा उसके द्वारा आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे लेवल और नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे हैं जो कि जेसीओज और एनसीओज के लिए यहाँ पे रखी गई है। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या क्या है दोस्तों, क्वालिफिकेशन में लिखा है इन्होंने है कि ग्रेजुएशन फ्रॉम आर्मी एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड एम्बेसी, आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है यहाँ पे। और पेमेंट है दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छी खासी, यहाँ पे 50,000 से 55,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगी। और जो एज लिखा है दोस्तों 40 से 43 साल वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो नौकरी का स्थान होगा जो वो होगा ये है जमुरिया नियर आसनसोल, तो मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये, नियर आसनसोल, आसनसोल के नज़दीक है यहाँ पे। और आगे लिखा दोस्तों एडिशनल बेनिफिट्स जो भी होंगे अबव, ये एडिशनल बेनिफिट्स होंगे जो होंगे ग्रेड के हिसाब से आप लोगों को दिए जाएंगे जो भी होंगे, और इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 30 दिसंबर 2019 तक, 30 दिसंबर 2019 तक आप लोगों को अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने का दोस्तों तरीका मैंने वही जो आप लोगों को पहले बता चुका हूँ मैं, कि आपको सैनिक जो आपको जिला सैनिक बोर्ड है या फिर आपका जो राज्य सैनिक बोर्ड है वहाँ पे जाना है, वहाँ से आप लोगों को वहाँ के जो भी क्लरिकल स्टाफ है या फिर जो भी स्टाफ वहाँ पे है उनको बताना है कि मुझे इस पार्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो लोग आपका नाम फॉरवर्ड कर देंगे, आपका नाम डिटेल्स जो भी पता है या जो फ़ोन नंबर है वो एक मेल कर देंगे DGR को, और वहाँ से आप लोगों के लिए फिर फ़ोन आएगा कि आप लोग यहाँ पे आइए, या जो भी जिसके हिसाब से भी उनके रिक्वायरमेंट होंगे और जो भी वो लोग मैनेजिंग जैसे भी करते होंगे वो लोग आपको बताएंगे यहाँ पे। आप लोगों को फॉर्म पूरा भरना दोस्तों, कोई मिसिंग फॉर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा है इनकम्प्लीट फॉर्म जो है नहीं होना चाहिए आपका, और उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों दोनों वैकेंसीज बहुत ही अच्छी, यहाँ पे पेमेंट बहुत अच्छी खासी यहाँ पे मिल रही है आपको, 50,000 से 55,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पेमेंट मिल रही है, और काम वही है जो हम आर्मी में करते आए हैं दोस्तों एक सुपरविजन के तौर पे, और नॉर्मल सा काम है। लिखे बहुत से पॉइंट हैं लेकिन उनका सिर्फ यही मतलब है कि आपको एक एडम GCO की तरह काम करना है यहाँ पे। तो दोस्तों आज के लिए जो वैकेंसीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, जो भी भरना चाहिए भर सकता है और अप्लाई करें जल्दी, यदि आप लोगों को अच्छा लगता है या आप लोग इसके आप लोगों ने जो है आप लोग कोई जॉब करते हैं या आप लोग नहीं भर सकते हैं तो अपने साथियों को ज़रूर बताइए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों को जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।